बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। गलत होगा आंटी, आप रानी मम्मी है। रॉकी रानी को बैन करो, बैन करो, रॉकी रानी को बैन करो, बैन करो। अरे ऐसा क्यों भाई? हाँ, रॉकी रानी का बैन का काम अभी तक चालू नहीं हुआ, क्यों ऐसा क्यों होगा? अरे आप नहीं जानते इंडिया में क्या चल रहा है? नहीं करण जौहर ही होंगे जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे? देखिए भाई, ये जो वीडियो हम बना रहे पूरा गुस्से में बना रहे, क्योंकि ऐसे ऐसा सीन है पर कि क्या करण जौहर के द्वारा जिसको देख के पूरा सर फोड़ने का मन कर रहा है करण जौहर का। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि करण जौहर कैसे ये सब हम लोग जानते हैं। नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हुआ, कोई भी कास्ट करेगा मुझे। तुम कहाँ से अपने आप को बॉयज में गिनने लगे करण? इसी के चक्कर में इस मूवी में उनके करेक्ट रोल को दिया गया है, वो भी एक बंगाल एक्टर कोटा चौधरी को। जी हाँ, जो कि एक कथक डांसर का भूमिका निभा रहे। भले ही ये अच्छा एक्टर है और अच्छा एक्टिंग भी किया है, लेकिन यहाँ पर एक बंगाली एक्टर को अपमान दिया है भाई लोग, जिसके चक्कर में हम आपको बता रहे हैं ये मूवी को बैन करो, बैन करो। अरे भाई ये सब बंद करके मेन कहानी बोलना। हाँ बताते लोग सवाल कर। देखिए यहाँ पर टोटा और चौधरी को जो बोल दिया गया है करण जौहर द्वारा, वो एकदम हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने करण जौहर का जो रियलिटी है उसको ही दिखा इस मूवी में। वो यहाँ पर एक कथक डांसर का भूमिका कर रहा है, जिसके चक्कर में पूरा अपमान किया है करण जौहर ने यहाँ पर। हाँ भाई लिटरली इस मूवी ने पूरा अपमान किया टोटा राव चौधरी का। और इसके साथ साथ जो सब हुआ है वो मूवी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, इसी के लिए हम लोग बोले। और दूसरी बात, रणवीर सिंह जो कि एकदम लाजवाब एक्टिंग किया इस मूवी में, लेकिन करण जौहर कुछ कुछ जगह में इसको बहुत मिसयूज किया, जिसने दिखाया कि लड़कियां लड़कों में कोई फर्क नहीं है। भले ये सही बात है, अभी सबका प्रायोरिटी 2023 में अभी इक्वल हो गया, ये हम भी मानते हैं, कोई लड़का लड़की में फेर नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसे होता है जो कि डिफरेंट बनाता है जेंडर को, मेल फीमेल। कि आप भी एग्री करोगे अगर कोई फीमेल पार्टिसिपेंट भी देख रहा है कि आप भी एग्री करोगे। ये मूवी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चलेगा रणवीर सिंह का, एक जगह पे लड़कियों का लेगिंग्स पहना के दिखाया गया इस मूवी में। जी हाँ भाई लोग, आप भी सोचिए जो रणवीर सिंह इतना अच्छा कलाकार है, जो मूवी में पूरा अच्छा एक्टिंग किया है, उसको लेगिंग्स पहना के दिखाया, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ ये मूवी में लिटरली अपमान किया गया है वहाँ पर, जहाँ पर रणवीर सिंह को लेगिंग्स पहना के दिखाया जा रहा था, वो पर ऑकवर्ड फील हुआ था हमको भी, जिसके लिए भाई करण जौहर को। और क्या बोलूं, आप भी सोचिए अगर रणवीर सिंह की जगह आलिया भट्ट कैसे दिखाता तो कैसे लगता। मतलब ये मूवी में सोशल मैसेज पूरा बढ़ बढ़ के दिया है, वुमेन पावर जो वो बिल्कुल होना चाहिए इंडिया में, लेकिन ये सब चीज थोड़ा एक्सटेंड कर दिया करण जौहर ने। और आलिया भट्ट जिसको नाना टाइप का साड़ी में पहना के दिखा है मनीष मल्होत्रा, उसको बता दूं सिर्फ साड़ी बदलने से एक्टिंग नहीं बदलती। हाँ आलिया भट्ट अच्छी एक्ट्रेस है, जिसको हम लोग गंगूबाई में देखे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग लगा हमको, जहाँ पर गाने में इतना सारी चीज किया गया मान की जिसके चक्कर में इंडिया का जीडीपी 1% डाउन हो गया। लेकिन भाई आलिया भट्ट जो कि मेरे को बहुत पसंद है, वो हम लोग हमारा पिछले वीडियो में बताए थे आलिया भट्ट के बारे में और ये मूवी रिव्यू के बारे में, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मूवी रिव्यू का, और
डिटेल्स का वो भी आप देख लेना। और भाई जो भी हो या पर जो करण जौहर का मूवी होता है ना, सब जानते वो दो बीच फैमिली के बीच में होगा, फैमिली ड्रामा मूवी होगा, ये सब कॉमन बात है। लेकिन इससे हटकर कर दिया तो हाँ, अब बात करते हैं जया बच्चन पे। जी हाँ, जया बच्चन जो कि इतना बड़ा सीनियर एक्टर से, उनको लिटरली कोई एक्टिंग में नहीं देखे हम लोग, सच बताए तो वो सिर्फ गुस्सा करके बैठा हुआ था। बस क्या बोलूं भाई, करण जौहर को इतना अच्छा अच्छा कास्ट मिला, इतना अच्छा स्टोरी है, फिर भी मूवी को ऐसा बना दिया। जी हाँ, यह मूवी का रेट 2 घंटा 50 मिनट का है, जिसको कम किया जा सकता था, लेकिन करण जौहर ने एक्स्ट्रा एफर्ट देने के कारण खराब भी कर दिया और इसके कारण मूवी का लेंथ भी बढ़ गया। तो भाई आप लोग ही बोलिए मैं क्या सही हूँ या फिर गलत, नीचे कमेंट पे अपना राय दें, और आप भी बोलिए मूवी को बैन करना है या नहीं। लेकिन हाँ भाई, जाते जाते आपको कुछ पॉइंट भी बता दूं। देखिए, कोई भी मूवी का सिर्फ खराब पॉइंट नहीं होता, उसका अच्छा पॉइंट भी होता है। जी हाँ, इसमें अच्छा पॉइंट में सबसे अच्छा जो लगा वो है धर्मेंद्र और सपना आजमी का प्रेम कहानी। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र एक शादीशुदा लड़का होके उसका भी 1970 का जो प्रेम कहानी है वो चीज को अच्छा दिखाया है। लेकिन इसमें हमको लगता है ये कारण जो खराब नहीं है, धर्मेंद्र जी का आइडिया है। और जो जो कैरेक्टर था, मतलब आलिया भट्ट का मम्मी पापा डैडी या फिर रणवीर सिंह का मम्मी डैडी बहन जो भी था, सबने अच्छा एक्टिंग किया, किसी को भी हम रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे। तो अल्टीमेट आपको ये बताना चाहूंगा, ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि रणवीर सिंह का कॉमेडी और उनका जो इमोशन वाला सीन, वो भी हम इमोशनल हो गए थे। क्योंकि एक जगह पे जब रणवीर सिंह कुछ बोलता रहता है डोडारा चौधरी को, वहाँ पर बहुत ही इमोशन सीन को दिखाया गया है, पर्टिकुलर आपको वो जगह बहुत ही हार्ट करेगा। लेकिन हाँ, ये मूवी में भर भर के गाना दिया गया और उसके साथ साथ फायदा लिया करण जौहर का बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा के। जी पुराना दिनों का गाना चल रहा था, मतलब हर कोई अगर एंट्री मार रहा है उसमें एक एक गाना डाल दे रहा है करण जौहर, जो की सही तो है, लेकिन इतना डाल देने के बाद ओवरलोड हो गया चीज। कुल मिला के हमने तो मूवी देख चुके, इसका रिव्यू भी दे दिए और ये वीडियो में करण जौहर को भी ले लिए। तो मैंने जो दबाया करण को, तू मुझे दबा, गो फॉर इट, यू नो आई डोंट केयर, तू दबाते जा दबाते जा दबाते जा, अच्छी तरह नहीं दबाया। तो आशा करता हूं वीडियो हमको पसंद है, इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन हमको बहुत कष्ट हुआ कि कल वाला जो ने वीडियो बना के वो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए थे, सिर्फ आप ही देखे थे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, हमको थोड़ा मदद कर दो, नहीं तो हम भी कारण जौहर बन जाएंगे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।